सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो पिछले कई दिनों से यूपी भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, वहीं इस बीच अब एक राहत की खबर सामने आई है। आईएमडी ने लगातार 3 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के मौसम में बदलाव को देखते हुए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस और मथुरा में तेज बारिश और आंधी की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, अब इस भीषण गर्मी के बीच यूपी के लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब विभाग ने आगरा, अलीगढ़ समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वहीं अब ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आ रही है, साथ ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसको देखते हुए जिले में अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच अब जो यूपी वासी हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है गर्मी से। आपको बता दें, बीते दिनों यूपी में भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर बताया जा रहा था। वहीं अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यूपी के 57 जिलों में अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अब बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें, यूपी के 57 जिलों में अब ओलावृष्टि और बारिश की खबरें सामने आ रही है, जिससे लोगों को अब राहत मिलेगी। अरे राम 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 राम। यूपी के 57 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, 57 जिलों में अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र जुड़ गए हैं। तो उपेंद्र, कानपुर में इस समय मौसम का क्या मिजाज है? तापमान की बात की है तो 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस यहाँ पर परमानेंट तापमान में बना हुआ है। पर भाई, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर जो पिछली बार जो अलर्ट जारी किया था उसमें जो मौसम बारिश की संभावना होने का था, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मौसम को उतार चढ़ाव जो है दिन भर जो है तापमान ऊंचा रहता है, पर शाम की अगर बात की जाए तो रात में 8-9 बजे के बाद जो है हल्की ठंडी हवा को लेकर के जो मौसम जो है ठंडापन आया था। पर अगर बात की जाए बारिश को लेकर के तो मौसम विभाग ने किसानों को जो है कानपुर के आसपास जो क्षेत्र है उन किसानों को लेकर के कहा था तो जो बुआई के समय उनको थोड़ा टाइम डिले किया जाए, क्योंकि कानपुर की जो मानसून की बात की जाए तो वो 1 जून से 7 जून तक मानसून जो है कानपुर में पूरी तरीके से आ जाएगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल आ जाएगी। पहले जब अपेक्षा की बात की जाए तो अभी टेम्परेचर कानपुर में डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो मौसम है वो, क्योंकि नगर निगम द्वारा जो किसी प्रकार से जो चौराहे पर प्रमुख चौराहे है उसमें भी किसी प्रकार से कोई पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल किसी तरीके से नहीं की गई है। और जो क्योंकि कानपुर निश्चित रही है, यहाँ पे लेबर क्वालिटी के लोग जो है ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि चौराहे की अगर बात की जाए तो चौराहे पर किसी तरीके से जो है वो पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और देखा जाए तो अभी इस मौसम को जो उतार चढ़ाव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पूरी तरीके से जो जैसे डायरिया और हाइजा की बीमारी जो है उसका फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद उपेंद्र। तो आपको बता दें, यूपी के 57 जिलों में येलो अलर्ट है, वहीं अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं बारिश और ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने लगातार 3 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें, प्रदेश के मौसम में बदलाव को देखते हुए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस और मथुरा में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई है, जबकि अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत कब तक रहती है ये देखने वाली बात होगी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजन जुड़ चुके हैं। तो राजन, मेरठ में इस समय मौसम का क्या मिजाज है? देखिए, मेरठ में जिस तरीके से भीषण गर्मी थी, कल मौसम ने एकदम करवट बदली और शाम होते होते तेज हवा चलने लगी और उसमें थोड़ी सी धूल यानी कि डस्ट जैसी वो हवा चली है, लोगों को जिससे सांस लेने में दिक्कत हुई है। तो वहीं उसके बाद में सुबह आज सुबह ही थोड़ी बहुत बारिश देखने मिली है। कुछ नहीं तो बस 30 mm की बारिश हुई है। और वहीं मैं आपको बता दूं, जब मौसम विभाग के जो हमारे यूपी शाही है, डॉक्टर यूपी शाही, मेरठ कृषि विश्वविद्यालय है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक है, उनसे हमारी बात हुई यूपी शाही से, उनका यही कहना था कि ये मौसम 27 तारीख तक कुछ इसी तरह बना रहेगा। और मेरठ में ऑरेंज जोन जो है अलर्ट कर दिया गया है, ऑरेंज में इसे अलर्ट कर दिया गया है। ऑरेंज का मतलब यही होता है कि मौसम खराब होने की स्थिति है, वर्षा कभी भी हो सकती है और मौसम का उतराव चढ़ाव जो है ये बदलता रहेगा। वहीं उन्होंने खड़ी फसलों को लेकर भी ये कहा है कि जो किसान खड़ी फसल कर चुके हैं या करने की कोशिश करेंगे, उनको ये वर्षा होगी इसको काफी नुकसान पहुंचा सकती है, उस फसल को बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे में किसानों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं आम लोगों के लिए ये भी अपील करने की उन्होंने बात कही है हमारे चैनल के माध्यम से, कि प्राइम टीवी के चैनल के माध्यम से उन्होंने ये अपील करने की है कि धूल भरी हवा उड़ेगी, उसको लेकर मास्क या कोई कपड़ा लपेट कर ही सड़कों पर निकलें, क्योंकि धूल भरी जो हवा चलेगी उससे जो अस्थमा की दिक्कत है उससे लोगों को काफी परेशानी होगी। जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। तो वहीं 27 तारीख तक कुछ इस तरीके का मौसम पश्चिमी यूपी में ये बना रहेगा और इसको लेकर तमाम जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। और इसका मतलब यही होता है कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है। तो वहीं मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में 30 से ऊपर तापमान मेरठ में अभी वर्तमान में है, कभी धूप निकल रही है तो कभी बादल छा रहे हैं। तो वहीं कई लोगों को हमने ये देखा कि कई लोग छाते के साथ में अपने घरों से निकलने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में कभी भी बारिश पड़ सकती है तो कभी भी मौसम खराब हो सकता है, इसको लेकर लोग अपने अपने घरों से छाते लेकर चल रहे हैं। तो भाई, किसानों को साफ तौर पर इस चीज पर ध्यान देना है कि कोई भी खड़ी फसल या उनकी जो जोतने का काम है वो ना किया जाए, क्योंकि बारिश 27 तारीख तक कभी भी पड़ सकती है और उत्तराखंड चुनाव का जो मौसम है ये कभी भी हो सकता है। इसको लेकर जो अस्थमा की दिक्कत है वो भी हो सकती है, क्योंकि जो हवा चल रही है तो हवा में डस्ट होने की संभावना बताई जा रही है। राजन, जैसा कि आपने कहा कि ये मौसम कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए राहत भरी सांस है, तो कहीं जो किसान है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भीषण गर्मी थी और एकदम से जो मौसम ने करवट बदली, यानी कि वो पारा जो चल रहा था, वो तापमान चल रहा था 40-44 के आसपास का, और एकदम से जो गिरावट होती है वो 20 और 25 के आसपास पहुंच जाती है, तो उससे स्वास्थ्य में तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन जब मौसम की बात करूं तो मौसम कभी भी बारिश पड़ सकती है, फिर अचानक से तेज धूप निकल जाती है, तो वो भी लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। तो वही किसानों के खेती पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जो दस्त भरी जो हवा, मैंने आपको बताया कि दस्त भरी जो हवा चलेगी उससे अस्थमा के लोगों को जो सांस लेने में दिक्कत होगी, और जिन्हें पहले से ही अस्थमा की दिक्कत है उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसको लेकर सब लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिमी यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, चाहे वो पूर्व की बात करूं चाहे पश्चिम की बात करूं, तमाम जिलों में जोन को अलर्ट कर दिया गया है। कोई रेड जोन में है, कोई ऑरेंज जोन में है, कोई येलो जोन में है। तो फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती तो लोगों के स्वास्थ्य पर ये मौसम काफी प्रभाव डालने वाला है। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें, यूपी के 57 जिलों में येलो अलर्ट है, वहीं जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। उनकी फसलों को लेकर कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है ये येलो अलर्ट, उनकी जो फसलें हैं कहीं ना कहीं उस पर नुकसान पड़ सकता है इस बारिश और ओलावृष्टि का, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जताई है। वहीं आपको बता दें, किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये येलो अलर्ट भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके जो खेत हैं उसके लिए, उनके जो फसलें हैं उसके लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं जो लोग हैं उनको गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं जिन्हें एलर्जी या फिर अस्थमा जैसी दिक्कतें हैं उनको भी धूल की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ औरैया से जाहिद अख्तर जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, औरैया में क्या कुछ मिजाज है मौसम का? तो जाहिद, क्या कुछ मौसम, कैसा मौसम देखा जा रहा है औरैया में? जी सर, मैं आपको बता दूं, औरैया में तापमान की अगर बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस है, वही और दूसरे तापमान की बात की जाए 25 डिग्री सेल्सियस है। वही अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो कुछ ही एक या दो दिन में धूल भरी आंधी बाकी हवाओं के साथ पानी की भी आशंका है, जिससे पानी से काफी किसानों को भारी नुकसान का सामना भी कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट की अगर आसपास जिले की बात की जाए तो आगरा डिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, तो कई जिले में भारी नुकसान की संभावना भी है। जी बिल्कुल, तो किसानों पर इस मौसम का क्या कुछ असर पड़ सकता है जाहिद? जैसा कि ऐसा बदलाव आपको बता दो, किसानों को इस तरीके मौसम में यह असर पड़ सकता है क्योंकि धूल भरी आंधी और पानी तेज हवाओं के साथ चले गए, जिनकी किसानों की पहले से ही फसलें खाली रखती है उन फसलों को बर्बाद होने के ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद जाहिद। तो आपको बता दे कि ये मौसम कहीं ना कहीं किसानों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उनकी रबी की फसलों को लेकर कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। यूपी के 57 जिलों में येलो अलर्ट है, वहीं लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं भीषण गर्मी से। जो लोग परेशान थे, आपको बता दे 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान था, जिसके बाद लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, वहीं अब इसके बाद एक राहत की सांस मिली है लोगों को। येलो अलर्ट जारी किया गया है यूपी के 57 जिलों में, वहीं कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में मौसम के बदलाव को देखते हुए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस और मथुरा में तेज बारिश और आंधी की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अमरोहा और औरैया में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही हर जगह का मौसम, जैसा कि आपने अभी देखा मेरठ, कानपुर में कहीं ना कहीं जो मौसम है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, लखनऊ में कैसा मौसम देखा जा रहा है? है कि आज यानी 24 तारीख से पूरे देश प्रदेश जितने भी देश 57 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आज उत्तर प्रदेश में 40 कुछ परसेंट बताया जा रहा है कि गर्मी का जो सेल्सियस इतना तेज बताया जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। वही मौसम विभाग ने बड़ी राहत की खबर दी, उनका कहना है कि 24 तारीख से यानी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकता है, वही तेज हवाएं भी चल सकती है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए तो ये बहुत ज्यादा एक राहत की बात है, वही दूसरी तरफ जो किसान है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भरी होगा ये। लेकिन बात करें आपको पूरे देश की, तो वही आपको राजस्थान से लेकर एमपी, महाराष्ट्र, नासिक और तमाम दक्षिण भारत में भी ऐसे केरला और ऐसे तमाम जो जिले हैं उसमें अब आज से बारिश और ओलावृष्टि के साथ साथ आपको कह सकते हैं कि तेज हवाएं भी चलेगी। अब समझ सकती है जब ओलावृष्टि होता है तेज हवाएं चलती है तो उसके साथ साथ बिजली गिरने की भी आशंका तेज रहती है, तमाम जो किसान है उनसे काफी नुकसानदायक रहता है। लेकिन वही बात करें आप इतनी तेज गर्मी में जो कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी चल रही है 40 सेल्सियस ऊपर बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन है काफी इससे जो परेशान है और वो यही चाह रही है कि कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बारिश जिससे कि आम जनजीवन को थोड़ी राहत मिले। वही आप बात करें तो अब जैसे चक्रवाती तूफान जाती है उसके लिए जो चक्रवाती तूफान से जो मौका है उसे कहीं ना कहीं लगातार जो मौसम विभाग है वो हमेशा अलर्ट कर रही थी कि बारिश हो सकता है, लेकिन इस साल कहा जा रहा है कि जो मई तक थोड़ी भी मार्च में आप देखिए थोड़ा बहुत बारिश हुआ, अप्रैल में भी हुआ, लेकिन मई में अभी बारिश होने की कोई संभावना नहीं जताया जा रहा था। लेकिन आज मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि 24 तारीख से पूरे देश भर में 57 जिलों में कहीं ना कहीं बारिश और ओलावृष्टि उसके साथ तेज हवाएं भी हो सकती है और इससे कहीं ना कहीं जनजीवन को थोड़ा बहुत राहत होगा, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को थोड़ी सी इससे नुकसानदायक हो सकता है। जी जी बिल्कुल सुहानी, तो
जो किसान है उनको कहीं ना कहीं इस मौसम से नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी की है इस मौसम को लेकर? जी सर, आपको बता दें कि मौसम विभाग साफ तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये तेज जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है कहीं ना कहीं उससे बारिश और जो ओलावृष्टि, बारिश से तो राहत लेकिन ओलावृष्टि होगा उसके साथ साथ जो आप बता सकते हैं उसकी जो बिजली गिरने की संभावना है भी कहा तो नहीं जा रहा लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे किसानों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। लेकिन जो मौसम विभाग है इसे अलर्ट पहले ही जारी कर दिया है और इसे तमाम जो लोग है वो इस भीषण गर्मी में राहत के लिए कुछ ना कुछ उनका मानना है कि बारिश हो तो इससे राहत होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर से लेके महाराष्ट्र नासिक इसमें बारिश जो होती है बहुत ही तेज बारिश होती है और वहां पे हमेशा बारिश को देखा जाता है। दिल्ली एनसीआर में बारह रहती है तो ऐसे तमाम जो चीजें वो देखने को मिलती है। लेकिन आप खासतौर पर बात करें ये बारिश की तो इस टाइम बारिश होना काफी लोगों के लिए राहत होगी और आम जनजीवन का भी बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा, लेकिन खास तौर पर किसानों के लिए सिर्फ एक नुकसानदायक हो सकता है। जी बिल्कुल सुहानी, तो कहीं ना कहीं अब लोग राहत की सांस लेंगे। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सुहानी। हाँ तो आपको बता दे बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है, वही इसको लेकर अब येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं लोग खुश दिखाई दे रहे हैं इसको लेके, तो कहीं जो किसान है उनको चिंता जताई जा रही है। वही अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुशीनगर से ज्ञानेश्वर जुड़ चुके हैं। तो ज्ञानेश्वर, कुशीनगर में कैसा मौसम देखा जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अगले 3 दिनों तक राहत मिलने वाली है। आईएमडी ने लगातार 3 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना जताई है, जिससे अगर हम बात करें किसानों को तो कहीं पे क्षति तो कहीं पे इसका फायदा भी होता नजर आ रहा है। जी साफ तौर पे अगर हम कहें तो आंधी से तमाम तरह का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पिछले अभी 24 घंटा पहले यहाँ जो बारिश हुई है उसमें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है, जिसमें आई आंधी से पेड़ भी गिर गए हैं और कई जगह तो मकाने भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना जताई जा रही है। जी जी बिल्कुल, तो कितने दिनों तक लोगों को मौसम से राहत मिल सकती है? जी आपको बता दें कि जो अभी अलर्ट किया गया, जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो जारी किए गए हैं उसमें 3 दिनों तक 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक राहत भरी एक खबर होने वाली है। जी बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद ज्ञानेश्वर। वही हाइजिया के छात्रवृत्ति घोटाले की लगातार पोल खुल रही है। वही ईडी की जांच में एक नया खुलासा सामने आया है। केंद्र की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए जमकर धांधली चल रही थी, जहां एक ही छात्र को कई कॉलेजों से छात्रवृत्ति दिलाई जा रही थी। तो वही ईडी की जांच में हाइजिया एजुकेशनल ग्रुप के संचालकों की पोल खुल गई है। संचालकों ने एक छात्र को कई कॉलेजों से छात्रवृत्ति दिलाई है। बता दें कि ईडी 50 से अधिक छात्रों कर्मचारियों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसके बाद सभी संचालकों की करतूतों का खुलासा हो गया है। तो आपको बता दें छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं हाइजिया के जो कारनामों की जांच का अब नया खुलासा हुआ है। संचालकों ने एक छात्र को कई कॉलेजों से छात्रवृत्ति दिलाई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सागर जुड़ चुके हैं। तो सागर, ईडी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए छात्रवृत्ति घोटाले में एक बड़ा खुलासा किया है, क्या कुछ है पूरा मामला? हाँ जी, देखिए आपको बता दूं कि हाइजिरिया यूनिवर्सिटी है फार्मेसी की, ये लखनऊ में है, मौजूद है स्थिति, और यहाँ पर छापेमारी की जो बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा की गई है। कुल मिलाकर विगत कई महीनों से छापेमारी की सूचना लगातार जारी थी और कल भी ईडी ने छापेमारी की। यहाँ पर सबसे बड़ा नाम जो है रवि कौशल के रहा था, रवि के घर पर भी छापेमारी की और जो हाइजिया यूनिवर्सिटी है उसके दफ्तर में भी ईडी ने छापेमारी की। और रवि का आपको बता दूं कि आलिशान जो घर है जानकीपुरम क्षेत्र में है, जहां पर ईडी ने कई घंटों तक छापेमारी की और कई दस्तावेजों को भी जब्त किया है। और दूसरी बात बता दूं कि 2000 का नौकरी कैसे सालों में करोड़पति बन गया, ये भी बहुत बड़ा खुलासा है। कहीं ना कहीं ईडी को लगातार इसमें सफलता मिल रही है। जी जी सागर, कितने लोगों पर अभी तक कार्रवाई हुई है इस मामले में?
आज ही देखिए बता दूं कि छात्रवृत्ति घोटाला ये सबसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि लगभग 1300 करोड़ की बात सामने आ रही है। और इसमें जो है जो हाजिरीगा यूनिवर्सिटी है और तमाम जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो है छात्र एडमिशन लेते थे, उसके बाद उनको छात्रवृत्ति दिलाई जाती थी और 8 से 9 हज़ार रुपये देने के बाद जो है वो लोग अपनी बड़ी रकम जो है यूनिवर्सिटी के जो संचालक हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं, प्रशासन देखते हैं, तो कुल मिलाकर 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 दिन की रिमांड दी गई है और फिलहाल 50 से ज्यादा छात्रों से पूछताछ भी हो चुकी है। जी जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सागर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।